बहुत मुश्किल है भाई बम मारना, बहुत मुश्किल है कसम से। हे गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पाओ पाओ, तो अभी का सीन ये, अभी टाइम हो रहा है ये और ये दो दफा, ये एक दफा ये। तो अभी टाइम हो रहा है पूरे पूरे 12 बज रहे हैं, देख सकते हो तुम लोग मैं यहाँ पे करूँ, समझ में आ गया ना? बस ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, अभी अभी आपका भाई जो है वो स्कूल से आया है, क्योंकि आज जो है स्कूल खुल गया था लेकिन कोई बच्चे नहीं आए। और आज जो है वो स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज है आयशा की बर्थडे। आज हमारी चीनू पापा हो जाएंगी 1 ईयर की, 1 साल की आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज आयशा हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो सीन ये है कि भाभी ने बोला था कि ना भाई नमाज वमाज पढ़ के कहाँ जाना है, हमारे को जाना है आयशा की बर्थडे का सामान लेने, गुब्बारे वुब्बारे लेंगे और यहाँ पे इस वाली दीवार पे वॉल पे या मेरे ख्याल से ड्राइंग रूम में देखेंगे कि वो हैप्पी बर्थडे टू यू बूबू या आयशा। एक तो ये बीच में फ़ोन आया था ना वीडियो का, बेड़ा खराब हो जाता है, दिमाग ख़राब। तो हाँ क्या बोल रहा था मैं, तो आज इस वाली दीवार पे या ड्राइंग रूम वाली दीवार पे, जो आपने पापा की एनिवर्सरी वाला व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा, तो जाके देख लेना और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो इस वाली दीवार में लगा देंगे या ड्राइंग रूम वाली दीवार जैसे पापा की लगाया था उस वाली दीवार पर लगा देंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बूबू, या फिर बूबू का नाम लिख लेंगे आयशा। तो आज चीनू पापा पूरी पूरी 1 साल की हो जाएंगी, और भाभी ने कहा था कि भाई सामान ले जाना है बर्थडे का और खिलौने विलौने थोड़े बहुत ले लेंगे। तो देखते हैं, वो भाई के साथ जाती है बाइक पे या रिक्शे में जाती है, मेरे साथ देखते हैं, जो भी सुन होगा वो मैं आपको दिखा दूँगा अगर मैं रिकॉर्ड कर सका तो। अगर शोर होगा तो फिर मैं क्या नहीं रिकॉर्ड करूँगा, सिर्फ ऐसे ही बना दूंगा और वॉइस ओवर कर दूँगा, ठीक है जी। तो बस नमाज वमाज़ पढ़ने जानी है, अभी तैयार भी हो रहे हैं, और कल भी आपको ये वाला बनियान दिखा था, आज भी आपको ये वाला भाई ये वाला बनियान जो है वो, ये बनियान नहीं, देखो तुम लोगों को पता है टी शर्ट है, ये देखो ये पूरी टी शर्ट है। तो हम ये इसको बनियान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, ठीक है जी। नीचे चड्डा होता है हमारा और ऊपर जो है ये शर्ट टी शर्ट होती है। तो ये बनियान जो है थोड़ा सा ईजी टू यूज़ है, क्योंकि गर्मी नहीं लगती, ढीला सा है ना, तो हवा ही पास होती रहती है और थोड़ा सा ईजी टू यूज़ है, अच्छा भी लगता है। तो इसके गला जो है ना वो बहुत टाइट है, अच्छा लगता है, मतलब ईजी टू यूज़ है, मतलब फ्रेंडली यूज़र है। तो ज़्यादातर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। और जो पीली वाली शर्ट आता है मैंने 2-3 ब्लॉगों में देखो कि वो तो इतनी टाइट है, मतलब यहाँ पे उसका गला ख़त्म होता है आगे, तो हवा की गुंजाइश ही नहीं है उसके अंदर, वो बगलों पर भी इतनी यहाँ पे टाइट है, इतना पसीना पसीना आता है। तो ये थोड़ी सी ढीली है, यूज़र फ्रेंडली है ये टी शर्ट, तो इस वजह से इसमें ये है कि मज़ा आता है, ठीक है जी। ज़्यादा लंबा बात नहीं करना, मुझे पता है मैं ज़्यादा लंबे बातें करता हूँ, 13-14 मिनट में ब्लॉग तो ज़्यादा, अभी जो भी सीन होगा फिर मैं आपको बात दिखाऊंगा। चलो गाइस नमाज नमाज पढ़ ली है, अभी मैं ऊपर आया था मस्जिद के ऊपर उस खाने में, तो जहाँ पे आपने ईद की नमाज़ में जब मैंने पढ़ी जवाब देखा था छोटा सा सीन, बस 5-10 सेकंड का। तो ये जो अभी मैं आपको ग्रिल दिखाने को, क्योंकि मस्जिद जो है वो खाली हो चुकी है, इस वजह से मैंने कहा थोड़ी छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो ये जो ग्रिल आपको नज़र आ रही हैं, ये वाले ग्रिलें ये पापा ने बनाई है, बेसिकली पापा ने बनवाई थी और चाचा वगैरह इन सब लोगों ने लगाई है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको चारों तरफ से, देखो ये ग्रिल है। तो ये ग्रिल पापा ने बनाई है और चाचा इन लोगों ने लगाई है, वो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, लग रही है ना अच्छी। ये देखो ये पूरा दूसरा फ्लोर है मस्जिद का, पूरा हिस्सा है। तो मैंने कहा चलो मस्जिद खाली इस वजह मैं आपको दिखा दूं, तो ये ग्रिल पापा ने लगाई है। बहुत मैंने कहा था पहले भी जब पापा ने शुरू से लगाई थी, जब तो पापा ने पूरा काम किया था उस वक्त, मुझे याद नहीं रहा कि मैं आपको वीडियो बना के दिखा था कि कैसे लग रही थी कैसे नहीं, लेकिन ये बहुत प्यारी, तो बहुत मट्टी वट्टी हो गई है इसके अंदर, साफ ऑफ करेंगे तो फिर चमकेगी, और पॉलिश वॉलिश भी हुई है इसके ऊपर, तो बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। तो बस अभी घर चलते हैं, नमाज वमाज़ पढ़ ली है, उसके बाद आज का जो ब्लॉग है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आज है आयशा की बर्थडे, आज आयशा जो है वो 1 साल की हो जाएगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको थोड़ा से दावत वावत करेंगे, सामान वामान ले जाएंगे, फिर मैं आपको घर में मिलता हूँ, ठीक है जी। 2 hours later चलो गाइस सो के उठ गए, और सो के उठने के बाद देखो टाइम क्या हो रहा है, 6:30। तो चीनू पापा ने आके हमारे को पिटाई लगाई, फिर उठाया कि उठो भाई, और चीनू पापा जो है वो अपनी शॉपिंग करके आ गई है, सॉरी मैं नहीं गया और मैंने दिखाई भी नहीं आपको, कला भाई के साथ गई थी भाभी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें चीनू पापा लेके आई हैं, ये लड़ियाँ हैं, और ये पीली वाली लड़ियाँ हैं, ये ग्रीन वाली लड़ियाँ हैं, ये पीली वाली लड़ियाँ हैं, और ये हैप्पी बर्थडे का वो है, ये भी खोलते हैं, और ये चीनू पापा। चीनू पापा हंसी करी। अभी जब मुंह खोदी खोदी हंसेगी, जब हम बोलेंगे जब नहीं हंसेगी,
नीचे बैठ, नीचे बैठा दो इसको, आओ नीचे, इधर आओ मेरे पास, आओ इधर आओ, तुम वहाँ से स्टैंड ला के दो काला वाला। ये लगा दिए भाभी ने लड़िया, ये वाली ठीक है जी, ये देख लो, ये ऐसे लगी, येलो ग्रीन येलो रेड होनी, रेड भी होनी चाहिए थी। और क्या लाइए चीनू पापा? ये वाइट वाले गुब्बारे हैं, ये पीले वाले गुब्बारे हैं, ये स्टैंड आ गया, स्टैंड पे लगाएंगे फिर आपको दिखाता हूँ। कौन सा तू? और ये पीले वाले, हरे वाले भी, ये बड़े वाले गुब्बारे हैं, इस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। और ये डबल साइडेड टेप है वाइट वाला, जो आगे पीछे चिपक के आप गुब्बारे को लगा सकते हैं। और अच्छी खासी शॉपिंग करके आई हैं अन्नी पापा, देखो कैप भी लेकर आई हैं, ये कैप भी है अन्नी पापा के। तो ये एक अब्दुलरहमान, एक अब्दुल्लाई, एक हुदा और एक दुआ को, और कौन है, और एक अफान को, इन सबको पिला देंगे, बोल रहा हूँ, इन सबको पहना देंगे। अन्नी पापा कहाँ हो गया, शोर नहीं करो। और तो ये तो, और ये डंडिया वाले जो हाथ में लेके हिलाते हैं बच्चे, ये वो है, ये हैप्पी बर्थडे का स्टिकर आ गया जो केक पे लगेगा। तो ये नंबर वन, ये नंबर वन क्या है भाई, ये नंबर वन क्या है, ये बर्थडे। अच्छा अच्छा, ये पहली साल के है तो फर्स्ट ईयर लिखा है ये। और ये क्या है, ये भी स्टिकर ही है, ये क्या चीज़ है, स्टिकर ही है, ये भी शायद बारबी का है ना। और क्या है, और ये क्लिप भी लाई है हैप्पी बर्थडे का, अपना हेयर बन जैसा, ये भी है। तो अन्नी पापा सारी शॉपिंग करके आ चुकी, आ जाती है ना भाई अन्नी पापा? कितनी सारी शॉपिंग करी आपने, कितनी सारी शॉपिंग करी बताओ। इतनी सारी शॉपिंग करी अन्नी पापा ने, आज इतनी सारी शॉपिंग करी आज अन्नी पापा ने, है ना भाई, इतनी सारी शॉपिंग करी आज आपने। चलो जी, ऐसे लगेगी, ऐसी सारी चीज़ें लगेंगी, देखो येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, ऐसी सारी चीज़, ऐसी सारी वो लगेंगी। बस अभी ये गुब्बारे फुलाते हैं, इनने सारे जो गुब्बारे लाए कौन फुलाएगा, हमें फुलाने पड़ेंगे, ये गुब्बारे फुलाने पड़ेंगे इनको, ये गुब्बारे पीले वाले भी गुब्बारे हैं, ठीक है जी। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत लंबा होने वाला है, तुम लोग देख देख के थक जाओगे, ठीक है जी। अभी बहुत सारा काम है, ये सारा काम करना है हमारे को, ये पूरे व्लॉग में देखोगे, और बाद में भी देखते क्या करना है। अभी बच्चे भी, अब्दुलरहमान, अब्दुल्लाई, पप्पो, हाँ पप्पो भी आने वाले थे लेकिन अभी तक पप्पो आई नहीं, वो कब तक आती है क्या पता, रास्ते में हो तो पंखे का मुंह वहाँ मोड़ दो ना, वो फिर भी उड़ रहा है, वो छोड़ दो, फिर भी उड़ रहा है, हल्की सी आवाज से उड़ रहा है। अबे बस दो हो गए, वो भी बड़ा बड़े, छः बुलाने, साढ़े छः छः तक के दो, बड़े कितने बुलाने, बड़े तो सब फुलाने, सारे फुलाने, तुम बुलाओ बस। A few moments later. चलो बस दोबारा से रेडी हो चुका हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 9:40 पूरे फिक्स, ठीक है जी। तो रेडी हो चुका हूँ आपका भाई, देखो नमाज, जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया था तो मैंने ये वाले पापा पहने थे, ठीक है जी। देखो इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है आपके भाई का, अनस शेख, ये देखो लग रहा है, नहीं लग रहा अच्छा। कैसे लग रहा है, मस्त लग रहा है, बताओ बताओ। और गले का जो डिज़ाइन है वो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस दफ़ा जो मैंने ना अलग डिज़ाइन से लगाया था, पहले तो जिप वाला था, एक दो सूट में जिप वाला है, इसमें एक ऐसा है फुंदरियों वाला, जिसमें ऐसे ही फुंदरी जाके बटन लगाते हैं, ठीक है जी। और इस दफ़ा मैंने पजामा सिलवाया जेब वाला, तो ये जेब वाला पजामा है, देखो ट्राउज़र, मतलब जो वाला ट्राउज़र होता ना ड्रेस पहन वाला ट्राउज़र होता, उसके तरह सिलवाया नैनो, मतलब नीचे से पतला ऊपर से चौड़ा, जैसे पैंट होती है वैसे, ठीक है जी। बस अभी गए इसी ने, 9:40 हो गए हैं, बिला भाई खाना वाना लेके आ गए थे, बस कपड़े भी चेंज कर लिए, अभी चाचा वगैरह भी सब आ गए हैं, लेकिन अभी ताया वगैरह नहीं आए हैं, तो उनका वेट करते हैं। बाकी कपड़े चेंज करके यहाँ रख दिए हैं, ठीक है जी। बाकी अभी ताया का वेट हो रहा है, देखते हैं कि ताया वगैरह कब आते हैं, 9:45 तो बजने वाले हैं, अभी तक तो आए नहीं है, पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्या है क्या नहीं, मेरे ख्याल से आएंगे तो सही, क्योंकि अभी तक तो आए नहीं, अब देखो कब तक आते हैं। और खाना वाना भी दिखाएंगे आपको सारा,
डेकोरेशन जो करा है वो तो आपने सिनेमैटिक्स में शॉर्ट में देख ली है, हमने क्या क्या तैयारी करी वो भी देख ली आपने सिनेमैटिक्स में, क्या क्या हमने लगाया, हैप्पी बर्थडे टू यू बूबू और सब गुब्बारे शुब्बारे सब जगह जो लगाए वो भी देख लिया, और जब केक काटेंगे वो भी हम आपको सारा पूरा व्लॉग बनाऊंगा मैं आज प्रॉपर, ठीक है जी, वो भी आपको दिखाना चाहिए जी, और ऐसा ऐसा दिखाता रहूँगा आपको, ठीक है जी। ए फ्यू मिनट्स लेटर टाइम टू स्टार्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। चलो बॉयज़ खाना वाना खा लिया है, बिल्कुल फुल हो चुका हूँ मैं, खाना वाना खा लिया है बिल्कुल फुल हो चुका हूँ। टाइम देखो बिल्कुल 12:20 हो चुके हैं, नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, तो गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे के लिए। अभी का सीन ये है, नीचे आया था सामान रखने के लिए तो मैंने कहा यार एंड का व्लॉग शूट कर लेते, बिल्कुल फुल हो गया, बिल्कुल फुल हो चुका। बिरयानी बनी मस्त अच्छी मज़े की, सबको पसंद आ गई और सबने तारीफ भी कर ली, केक वेक भी काट लिया जैसा कि आपने सिनेमैटिक शॉट में देख लिया, केक खा भी लिया, केक काट भी लिया, और पता नहीं केक बचा भी है या नहीं बचा, बिरयानी है कि बिरयानी बची है, अरे अल्लाह। तो अभी एवी मामा ये दोनों अभी जो है ना देख साफ कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है देख साफ कर रहे हैं, बस देख साफ करके ये लोग कपड़े चेंज करेंगे फिर ऊपर चलेंगे, जो तला भाई फुहारा लेके आया ना भम वाला फुहार जिसमें चिंगारी निकलती है ऊपर तक जाती है, तो बस उसका शूट करना है, उसके बाद फिर मैं व्लॉग एंड करूँगा, ठीक है जी। देखते हैं लंबा हो जाएगा लेकिन तुम लोग एडजस्ट कर लेना, और इस वाले व्लॉग में मुझे 100K व्यूज़ चाहिए, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना 100K का मतलब हमारा क्या होता है, 100 ही होता है, तो 100K व्यूज़ चाहिए हमारे को, कम से कम 50-60 लाइक कर देना, 1000 वैसे तुम लोग करोगे तो नहीं, मुझे पता तुम लोग बहुत कमीने हो, उल्लू के पट्टे हो, कुत्ते के बच्चे हो तुम लोग, सारे छोड़ी हो पता है मुझे तुम लोग। तो भाई ईद का 14 दिन है, आज 14 दिन था, 5वें दिन लग चुका है, मुबारक हो तुम लोगों को। सैटरडे हफ्ते का दिन स्टार्ट हो चुका है, 12:25 हो चुके हैं, देखो 12:20 हो रहे हैं, बस मामा ये लोग फारिग हो जाएं उसके बाद फिर ऊपर का शूट करेंगे, ठीक है जी। बहुत मुश्किल है भाई बम मारना, बहुत मुश्किल है कसम से। मोमबत्ती लानी पड़ ली इसके लिए। मोमबत्ती जलाओ माई, हाथ में पकड़ो मोमबत्ती, जला लेना मोमबत्ती, तू भी बीच चौराहे पे रख के जला रहा है, मैं कह रहा हूँ साइड में बैठ के जला ले। हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, पिछली दफा भी जो है ना फटे नहीं थे, दफा पता नहीं फटेंगे ये पड़ेंगे। देखो ये है सेल्फ हम हमारे पास लिया है, अंदर जाएगा तो चलेगा, अंदर डालो ना, जाएगा रखे हमने।
अंदर मोमबत्ती डालो यार, मुंबई से रहने दे भाई। अबे फड़िया तला का संभाले। अबे है क्या पीड़ा कर रहा है इसको चाचा, कैसे टाइट में आई पीछे हो, आई पीछे हो जा ना भाई। अबे इतना से जलाया तो मुश्किल ही करके इसकी। अबे चलेगा चलेगा ये वाकई चलेगा भाई, चलो भाई पार्टी खत्म हो गई, हम चल गए। चाचा पहले चला देता ऑयल, तुम लोगों ने गरम नहीं किया, चलो घर में तो ही थे।